So in this line, in the country, ओके हमने कहाँ तक पढ़ा था कि पॉपुलेशन जो है वो मच इम्प्रूव हुई थी विद इन 20 ईयर्स. नाउ हाउ एवर डिस्पाइट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिस्पाइट का मतलब है जो जो हमने किया उसके बावजूद, बावजूद जो हम कहते हैं ना उसका डिस्पाइट का मतलब वो होता है बावजूद, इंक्रीज के बावजूद जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो अभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. ओके अकॉर्डिंग टू द मनी एंड एफर्ट्स विच आर पुट इन दी प्रोजेक्ट. और राइट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि देयर वॉज अ मच इम्प्रूवमेंट, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं, ऑथर कह रहा है कि जितना पैसा और जितनी मेहनत, एफर्ट का मतलब मेहनत एंड मनी का मतलब पैसा, जो कि एफर्ट और पैसा लगा था प्रोजेक्ट में, उसके कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन बढ़ी है टाइगर्स की, दैट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री. ओके नाउ अब वो क्यों नहीं है सेटिस्फैक्ट्री, लेट्स सी. दिस इज ड्यू टू इलीगल पोचिंग ऑफ टाइगर्स एंड नेग्लिजेंस ऑफ अथॉरिटीज. एज वी नो इन इंडिया लोग इलीगल काम करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं. मैम आप आंसर्स दे दो, हम बुक में लिख के पास हो जाएंगे, दैट इज़ इलीगल इन अ वे. ओके जस्ट किडिंग किल चिल्ड्रन. इलीगल मतलब जैसे कि ब्राइब देना, आपका काम नहीं हो रहा, कहते हैं पैसा दे दो काम हो जाएगा. ओके लाइक दैट. तो पोचिंग जो होता है, यहाँ पर देखिए इन दिस पिंक बॉक्स पोचिंग का मतलब दिया है हंटिंग इलीगली. ओके पोचिंग इलीगल है सर्टनली, इलीगल हंटिंग को हम पोचिंग कहते हैं. जो इलीगल हंटिंग है टाइगर्स का, उसकी वजह से एंड अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी नेग्लिजेंस की वजह से जो टाइगर्स का पॉपुलेशन में इंक्रीज़ है वो अभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. एक तरफ गवर्नमेंट उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है, प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है, एंड ऑन दी अदर हैंड पीपल आर अलाउइंग बिकॉज ऑफ सम मनी कि आप टाइगर्स की इलीगल हंटिंग कर लो. ओके नेग्लिजेंस है वो अथॉरिटीज़ की, नेग्लिजेंस का मतलब होता है इग्नोरेंस. ओके फेलियर टू टेक केयर ऑफ समथिंग इन अ वे, नेग्लिजेंस मतलब आपने उसको निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया. ठीक है नेग्लिजेंस इज अगेन अ वर्ब, इसका जो रूट फॉर्म है वर्ब का वो है निग्लेक्ट, निग्लेक्ट. ठीक है निग्लेक्ट, सॉरी. ऑल राइट निग्लेक्ट होता है इसका रूट वर्ड. नाउ निग्लेक्ट जो किया है अथॉरिटीज़ ने उसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है हमारे कंट्री में फॉर द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स. ओके नाउ वी कम टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर. हाउएवर द लेटेस्ट एस्टिमेट्स शो दैट 2,226 टाइगर्स रोम्ड थ्रू द फॉरेस्ट रिजर्व इन द कंट्री इन 2014. दिस शोज एन इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. विथ दिस इंडिया हैज़ अराउंड 70% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर, यहाँ पे टाइगर भी आना चाहिए, ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विच इज़ अराउंड 3,000 टाइगर्स. ओके 3,000 टाइगर्स जो हैं वो वर्ल्ड के 70% जो टोटल है वो 100% है, उसमें से जो 70% है जो कि 3,000 टाइगर्स हैं वो इंडिया के पास हैं. अभी 2014 में देखा गया था कि 2,226 टाइगर्स को रोम करते हुए देखा गया था इन द फॉरेस्ट रिजर्व्स. ओके 2014 में मेरे पास तीन डेट्स हैं याद रखने के लिए. फर्स्ट 1973 जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, सेकंड डेट है 1993 जब प्रोजेक्ट का 20 इयर्स हुआ था. ठीक है भैया सॉरी फॉर दैट चिल्ड्रन. 1993 जबकि वो प्रोजेक्ट को 20 इयर्स हो गया था एंड पॉपुलेशन में काफ़ी इंक्रीज था, स्टिल हमारा जो टाइगर का पॉपुलेशन था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था बिकॉज ऑफ पोचिंग एंड नेग्लिजेंस ऑफ अथॉरिटीज ऑफ इंडिया.
okay. But however, we see that 2014 mein 2,226 टाइगर्स को रिजर्व्स में घूमते हुए देखा गया था, स्पॉट किया था. एंड टुडे वी हैव 3,000 टाइगर्स इन इंडिया विच कॉन्ट्रीब्यूट टू 70% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ टाइगर्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. इस अर्थ पे, धरती पे जितने भी टाइगर्स हैं उनमें से 3,000 टाइगर्स इंडिया के अंदर हैं, जो कि 70% पॉपुलेशन की पॉपुलेशन है, यू नो, ऑफ ऑल द टाइगर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. ऑलराइट चिल्ड्रन, तो इस चैप्टर में हमारे पास इन टोटल क्या क्या है याद करने के लिए. पहला चिल्ड्रन, जो मैं ये बता रही हूँ वो आपको याद करना ही है, ठीक है. फर्स्ट हो गया कि वो नेशनल एनिमल क्यों चूज़ कर किया गया था, ठीक है. सेकेंड ये है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ. थर्ड, उसको 20 इयर्स बाद कितना इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, देयर वाज अ मच इंक्रीज, तो दैट इज़ आल्सो टू रिमेंबर. देन 2014 में कितना नंबर था. फिफ्थ, अभी हमारे पास कितने टाइगर्स हैं इन टोटल. ऑलराइट चिल्ड्रन, एंड ऑफ कोर्स सिक्स्थ हमारे पास यह है याद करने के लिए, ऑल द वर्ड मीनिंग्स इन द चैप्टर आर टू बी लर्नड बाय हार्ट, नॉट बाय क्रामिंग, बिकॉज दे विल कम इन एग्जाम. आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी, मैं एग्जाम में वर्ड मीनिंग्स दूंगी एंड मैं जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर होता है वो मैं नहीं दूंगी एग्जाम में. आपको चैप्टर के बीच में से कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन. ऑलराइट चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द चैप्टर, रीडिंग चैप्टर. नाउ आई विल डिस्कस द कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज विथ यू एंड दैट यू विल डू फॉर योर होमवर्क. कॉम्प्रिहेंशन ए, बी एंड सी. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर. चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, विच ऑफ दीज इज नॉट द रीजन ऑफ बंगाल टाइगर टू बी चोजन एज. ओके, फॉर आपको फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स में से पता चल जाएगा कि इसमें से वो कौन सा रीज़न है जो कि करेक्ट रीज़न नहीं है, जिसकी वजह से बंगाल टाइगर को नेशनल एनिमल चूज़ किया गया. ओके, सेकेंड वन, विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स. ये तो मैंने आपको बता ही दिया दैट इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स, सो इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर. इन विच कंट्री वॉज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड, वेन वॉज इट लॉन्च्ड. इट वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1973. दिस इज सिंपल सिंपल क्वेश्चन. अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना कि इंडिया में लॉन्च हुआ था 1973 में. देन विच टाइगर इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्टर्न, द रॉयल बंगाल टाइगर. हाउ मनी टाइगर्स रिजर्व्स, 23. सिंपल सिंपल आंसर्स. ऑल दीज यू हैव टू लर्न, इसीलिए मैंने ये सारा कर दिया है सो दैट आप इसे पूरा अच्छे तरीके से लर्न कर लो एंड एग्जाम में अगर आता है देन यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम. इट इज़ बिकॉज उसकी लुक्स की वजह से वो चूज़ नहीं किया गया था. ओके, इंडिया हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1973, रॉयल बंगाल टाइगर इज़ नॉट फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. देन देयर वर 23 रिजर्व्स विच वर एस्टैब्लिश्ड इन 1973 अंडर द प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर बाय द गवर्नमेंट. बी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन एज इन द लेसन दैट यू हैव रेड. चिल्ड्रन, ये आप अपने आप करोगे. ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑन ईयर, ओके, दिस इज अबाउट द प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है. प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में है ये इन्फॉर्मेशन. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना ही करना है. कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, उसका एम क्या था, रीज़न क्यों था, उसका रीज़न क्या था स्टार्ट करने का, प्लान क्या था, उसका इफ़ेक्ट क्या था, क्या प्लान अच्छा था और इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, ये सब मैंने आपको अभी पढ़ाया है. ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू ऑल ऑफ इट. वाई डू पीपल किल टाइगर्स, दे किल टाइगर्स फॉर द इलीगल यू नो ट्रेड ऑफ देयर स्किन. वॉट डज द रॉयल बंगाल टाइगर सिम्बलाइज एज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया.
ये हमने फर्स्ट टू पैराग्राफ्स में पढ़ा है, काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है बुक में क्लियरली कि उसके पास माइट है, पावर है, इंटेलिजेंस है, टॉलरेंस है एंड देयर आर फ्यू मोर. इन सब रीजंस की वजह से उसको इंडिया का नेशनल एनिमल चूज़ किया गया. ऑलराइट, व्हाई इज़ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर स्टिल नॉट सैटिस्फैक्ट्री, गिव थ्री रीजंस. वो आपसे तीन रीजंस मांग रहा है कि टाइगर की पॉपुलेशन क्यों सैटिस्फैक्ट्री नहीं है. ओके, नाउ यू विल गिव ऑन योर ओन. देयर बीन अ फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सेम आंसर होने वाला है. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी से दैट द एफर्ट्स मेड टू प्रोटेक्ट द टाइगर आर शोइंग रिजल्ट्स. दिस यू विल गेट इन लास्ट पैराग्राफ. क्वेश्चन नंबर 5 यू विल गेट इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे चिल्ड्रन. प्लीज डू योर होमवर्क एंड सेंड इट बैक टू मी.